पिछले हफ्ते को आए थे और आज बुलवाया था, आए हैं तो इनकी हड़ताल थी। अब कुछ ना टाइम दिया उन्होंने ना कुछ बताया है, वो डॉक्टर हड़ताल पे हड़ताल पे बस जा रहे हैं, दुश्वारी का सामना वो डिले पे डिले कर रहे हैं। और मेरे अलावा और भी बहुत सारे हैं, कोई मतलब सही बताते नहीं है, रसोली सर में बता रहे हैं, उनको भी फिट्स आते हैं, मेडिसिन नहीं देते ये लोग। डॉक्टर ने कहा इस पे मिल जाएगी आप, नहीं दी उन्होंने भी, इलाज नहीं चल रहा है, कोई नर्स नहीं है, कोई वार्ड में कोई आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पर्ची के लिए आप कैजुअल्टी जाएं, एक बंदे ने अपनी पर्ची फाड़ के बल्कि उनके डॉक्टर के मुंह पे भी मार दिया। अस्सलामुअलैकुम, डी पब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। जनाब, सिविल और जिना दो ऐसे हस्पताल हैं जो सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े तरीन हस्पतालों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ तिब्बी सहूलियात की क्या सूरत हाल है, क्या फुकदान है और क्या फरवानी है, लोगों को कितनी तंगी और परेशानी का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर उन लोगों को जो कि दूसरे शहर से आते हैं। तो ये सवाल हम आवाम से करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। आइए चलते हैं आवाम की जानिब। किस सिलसिले में आना हुआ? हम ओपीडी में आए थे, 6 नंबर में मेरी वाइफ ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत पिछले हफ्ते को आए थे और आज बुलवाया था, आए हैं तो इनकी हड़ताल थी। मरीज़ दूर से, हम कहाँ गुलशन हदीद से आए हैं, हिसाब लगाओ लोग, बाइक पे आना गुलशन हदीद से, फिर वापस जाना, फिर दोबारा आना, कि कितनी प्रॉब्लम होती है। कुछ बताया इन्होंने कि हड़ताल कब खत्म होगी? ये कोई नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं, वो कहते हमें पता नहीं है इस बारे में। पिछले बुध को आए थे, जब भी 11 बजे खुल गई थी उस टाइम, फिर भी कुछ ना कुछ उन्होंने रिस्पांस दिया, आज तो बिल्कुल 0%। आप कहाँ से आए? हम भी गुलशन हदीद से ही आए हैं। गुलशन हदीद से ही आए हैं, और किस मसले की वजह से आए? मेरा गला है, सूजा हुआ गला, नाक की हड्डी और गले का मसला। दिखा दिया आपने मुतमईन होकर? नहीं, दिखाया ही नहीं है, वो डॉक्टर कह रहे हैं अभी बंद है वो। फिर जब आप गई तो रिस्पॉन्स क्या था वहाँ पर, कौन बैठा हुआ था, किसने आपसे बात? मुझे तो सिर्फ जो मैदे के डॉक्टर थे ना उसी के पास गई थी, वो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने बोला भी आप वहाँ जाओ उनके पास, गले वाले के पास, गले वाला नहीं थे, उन लोगों ने बोला ये बंद है। पहले ये होता था, सिफारिश होती थी, अब जैसे इतने अच्छे डॉक्टर भी देख रहे हैं, अच्छा इलाज कर रहे हैं, बेशक पढ़े लिखे तो इतने नहीं है मगर इतना पता है कि पहले का इलाज अभी में फ़र्क है। बिल्कुल, किसी को तवज्जो मिले तो वाजे तौर पर फ़र्क नज़र आता है कि हाँ हमें देखा जा रहा है। एक जो पेशेंट है इनके साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप मुतमईन हैं अपने इलाज? बिल्कुल। खुश हैं कि सही अस्पताल? हाँ बिल्कुल सही है। पेशेंट्स को प्रॉपर जो वक्त है उनका रिक्वायर्ड, जब तक उनकी सुनवाई नहीं हो जाती मसाइल की, वो बात करते हैं, वक्त देते हैं, ये बहुत अच्छी एक मुस्बत पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सर, आपको भी तंगी का सामना करना पड़ा होगा? बिल्कुल करना पड़ा है, सुबह से 8 बजे से आए हुए हैं, ना कुछ खाया ना पिया, अभी महसूस होकर वापस लौट रहे हैं। अब कोई ना टाइम दिया उन्होंने ना कुछ बताया है, वो डॉक्टर हड़ताल पे हड़ताल पे बस जा रहे हैं। सर, कैसे आना हुआ? ये इनके स्पाइन का मसला है, इनकी जो S1 और L5 जो डिस्क है वो डिफ्यूजिज हो चुकी हुई हैं। पहले लिस्ट में नाम उन्होंने लिया था लेकिन ये है कि अभी तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया इनका। यहाँ पर ये बताएं, इतने अरसे से आपका 3-4 माह से आप इलाज मुस्तकिल करवा रहे हैं, मुतमईन हैं? डेफिनेट, मैं इसलिए मुतमईन हूँ क्योंकि डॉक्टर कोऑपरेटिव है, सारे अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, ये नहीं मतलब, हाँ मतलब कि जो छोटा स्टाफ वो थोड़ा सा बदतमीज है, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा। डॉक्टर्स में भी ऐसी बात नहीं है, नर्सिस में नहीं, मतलब उनको काम हो तो डेफिनेट वो करते हैं, ये हर एक के साथ मतलब के तामन करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको दुश्वारी का सामना रहा हो, कोई मसला, कोई ऑपरेशन में मुझे दुश्वारी का सामना है, वो पता नहीं क्यों नहीं कि मतलब के डिले पे डिले कर रहे हैं। और मेरे अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये साथ में थी ना, उनको भी मतलब लिस्ट में नाम लिया था लेकिन उनका भी ऑपरेट नहीं किया, वो भी परेशान हैं कि मतलब हमें कब हम यहाँ से जाएँ, कोई मतलब सही बताते नहीं है, रसोली सर में बता रहे हैं लेकिन जो है ऑपरेट नहीं मतलब उनका भी हो रहा बच्ची का, उनको भी फिट्स आते हैं और सर में रसोली भी है। बिल्कुल ठीक है, कुछ रीजंस हैं जिनकी बिना पर इनके ऑपरेशन जो है मुस्तकिल डिले हो रहा है लेकिन वो रीज़न क्लेरिफाई नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर मामलात सही हैं, सहूलियात तिब्बी सहूलियात सही हैं? सही हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन नहीं देते ये लोग, अभी मेडिसिन लेने की मतलब इस पर नहीं मिलेगी दवाई, वजह बोले इस पर नहीं मिलेगी, बड़ी पर्ची पर मिलेगी आपको। अच्छा, वो पर तरह की पर्चियाँ हैं, वो वाली पर्ची उनकी साइन है? इस पे मिलती, इस पे भी स्टैंप लगी हुई है, डॉक्टर ने कहा इस पे मिल जाएगी आपको। हाँ फिर नहीं दी उन्होंने अभी। इस पर्ची पर आप कह रहे हैं पहले मिल चुकी है दवा? इस पे मिलती है दवाई, वो खुद नहीं दे रहे जान मुझके, लोग तंग कर रहे हैं, तंग करते हैं बस, महंगाई इतनी हो गई है, कहाँ से लाएं हम लोग दवाई इतनी। मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया था,
तो जब मैं उनको अस्पताल में लेकर आया तो एमरजेंसी में स्ट्रेचर लेने गया तो नहीं मिल रही थी स्ट्रेचर में। पर्ची बनवाई हमने, जब पर्ची बनवाई तो मेरी मत ख़राब हो गई थी। मेरी बहन मेरे को वो बोला जूस का डब्बा ले आओ, और मैं पागल आदमी चला गया यार लेने। जब मैं वापसी में आया तो मेरे चाचा के सारे पैसे ले गया। क्या जी, मेरे को रास्ते में मिला वो, बल्कि मुझे बोल रहा है यार, मेरे क्या हुआ, बोलता है यार मेरे को 2-4-5 सौ रुपये दे दे, ये मैं खून लेकर आऊँगा। मैंने बोला यार जीना में तो मुफ्त होता है भाई, काहे के पैसे। तो उसने बोला है ये तो समझता है, मेरे चाचा है लाहौर के। बात है ये सही बात है, वो बेचारे यूँ आ गए इसके गोते में, तो वो चला गया। अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं सही है। मैं जब चाचा के पास गया, चाचा ने मेरे को बोला भाई वो तो मेरे पैसे ले गया। मैंने कितने, बोला जेब से ले गया सारे। अब मैं बेफिक्र हो गया। मैंने ट्रीटमेंट करी, जब मैं बाहर आया गार्ड से पूछा, गार्ड बोले उससे पूछो, उसके बाद क्या वो बोलता है उससे पूछो, वो भी गायब जी। नहीं गार्ड बोलने हम नहीं है, और एक गार्ड मेरे को बोलता है तू जमशेद टाउन में रहता है, रक्षा चलाता है। मैंने तेरे एक सेकंड में बायोडाटा निकाल लिया। मैंने बोला बायोडाटा निकाल लिया तो ये भी बता दे वो आदमी कौन है, ये नहीं बता रहे मेरी बहन। ये है सूरत हाल है यहाँ पर, कोई भी किसी भी बेस में आता है, किसी को किसी भी नाम से लूट लेता है। इंतज़ामिया की दादरसी नज़र नहीं आती है, कोई कंप्लेंट सुनने वाला नज़र नहीं आता है। लोग दादू से, सजावल से, इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि ये सजावल से आई हैं बड़ी दूर, लेकिन पता नहीं है कि इनकी मरीज़, इनकी जो वालिदा हैं जो यहाँ पर एडमिट हैं फालिज की वजह से, वो कब ठीक होंगी, कब रिलीज़ होंगी। कुछ लैंग्वेज की वजह से भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, सही से गाइडलाइंस ले नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर मुतमईन है इलाज से, लेकिन क्या इनका मरीज़ जल्द ठीक हो जाएगा और कितना वक्त लगेगा, ये सवालिया निशान है और इसका इल्म इन्हें नहीं है। सहूलियात कैसी हैं यहाँ? बोला तो कुछ भी नहीं, बाहर आवाज़ आ रही निकाली है, बड़े तंगी, उधर बत्ती नहीं थी, इधर जहाँ एक्सरा कराते हैं उधर इतना गंद पड़ा हुआ था जी, आवाज़ आ रही थी। जिस डॉक्टर को बोलो वो सैन उधर से करा के लाओ, उधर से करा के लाओ। पहले तो लगे जो वो डॉक्टर सैन कर देते थे वो कर देते थे, अभी वो कहते हैं जिस डॉक्टर ने सैन किया है वो इसके सिप लगाए, वो खुद आए फिर दाखिल हुए। फिर वो करवाया आपने डॉक्टर से? फिर डॉक्टर आया, उसने क्या भी हम हर मरीज के साथ थोड़ा आ सकते हैं, वो बेचारे की मिन्नतें की है, वो आधा घंटा उसने खुद तोड़ा फिर गया तहाँ जाके हुआ है। परसों आए इसके पास, इनके पास, तो इन्होंने ना 1000 रुपया हमने किसी से बधारा पकड़ के यहाँ 450 किराया दिया है, इन्होंने चिट बना दी है। उधर गए तो उन्होंने क्या भाई आगे चले जाओ दवाई फ्री मिलेगी, जब इधर से उधर गए उन्होंने क्या दवाई आज इधर कुछ भी नहीं मिलेगा भी, आपको पता है चिट बना के दी है पहले ही ना बना के दो, इतनी दूर गए उधर से फिर वापस आए, इन्होंने क्या भी आज घर चले जाओ कल लाना। खैरपुर से बता रहे हैं आप आए तो बड़ी उम्मीदों के साथ आए, जिना अस्पताल आए, यहाँ पर आते ही आपको देख लिया, सही रहा आपका सिलसिला मामला? बिल्कुल ठीक रहा, हम तकरीबन 10:30 बजे पहुँचे थे, इनकी जो होती है OPD की जो टोकन वगैरह देते हैं वो तकरीबन 10:30 बजे ये बंद कर देते हैं, फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की हम बाद दूर से आए, उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेते हैं, फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे टेस्टें थी वो देखी, उनके बाद उसने कहा ये टेस्ट करवाओ आप आगा खान से बायोसी वाली है, उसके बाद आप यहीं पे आना। जो टेस्ट आपको दूसरे अस्पताल से लिख दिए हैं वो यहाँ नहीं होते? ये उसने कहा ये यहीं पे नहीं होता। फिर आपको कब का है आने के लिए, आज ही करवाएंगे आप वो टेस्ट? हाँ हम आज यहाँ पे जा रहे हैं आगा खान में टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद जो है 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद जो टेस्ट रिजल्ट आएगा उसका, उसके बाद हम यहाँ कराची स्टे करेंगे इतने अर्से? नहीं वापस जाएंगे। जिना अस्पताल आने का आज हमारा मकसद ये था ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि लोगों को यहाँ पर किस किस्म की तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन जहाँ पर ऑन स्क्रीन लोगों ने डॉक्टर्स के रवैये की तारीफ़ की है, बहुत सारे लोगों ने ये बात भी कही है कि वो इस मामलात से मुतमईन नहीं हैं, वो नाखुश हैं, डॉक्टर्स का रवैया ठीक नहीं है, ख़ासकर जो स्ट्राइक है डॉक्टर्स की जानिब से उसकी वजह से जो दफातर बंद हैं, जो मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं है, जहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर उनको अगले दिन आना पड़ता है, और अगले दिन भी कोई मौजूद नहीं होता तो फिर उसके अगले दिन आना पड़ता है और आते रहना पड़ता है। हम कुछ और मज़ीद लोगों से चलकर बात करते हैं, उन लोगों के मसाइल सुनते हैं जो कि सिर्फ अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर भी बैठे हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनको भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे चलते हैं जनाब, हमने आपसे अर्ज़ किया था कि हम आपको जिना अस्पताल के बाहर लेकर जाएंगे जहां पर हम आपको लोगों से मिलवाएंगे,
और लोगों से बात करेंगे, खासकर वो लोग जो कि यहाँ पर महीनों से पड़ाव डालकर बैठे हैं या फिर दूर दराज इलाकों से आए हैं। हमने बात करने की कोशिश की खवातीन या फिर अंदरून सिंध से आए जो भी लोग हैं, वो बात करने से कतराते हैं, अपने मसाइल बताने से कतराते हैं। शायद इसी वजह से कहा यह जाता है कि एजुकेशन की जो कमी है वो लोगों को उनके हकूक़ के बारे में बात करने से रोकती है। यहाँ पर किस सिलसिले में आई? ये जन्ना अस्पताल में मरीज है मेरा। आपके साथ मरीज है? कितने अरसे से एडमिट है? मरीज दाखिल है दिल वाले। हाँ, कितने अरसे से दाखिल है यहाँ? कल दाखिल हुआ। तो डॉक्टर सही मिले? सही मिली हुआ डॉक्टर। हाँ। इलाज उसका सही हो रहा है? सही है। जब तक इलाज होता रहेगा बैठे रहेंगे? हाँ बैठे रहेंगे। 2 महीने लगे 3 महीने लगे? हाँ। लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं है और इल्म भी नहीं है कि उनका इलाज, उनके मरीज का इलाज कब तक चलता रहेगा, लेकिन वो बैठे। जिन्ना अस्पताल से हम बाहर आए, बाहर बैठे हुए लोगों से बात करने के लिए, बाहर भी लोग बात नहीं करना चाहते थे और कुछ लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं थी। हम रोड क्रॉस कर आए हैं ताकि हम उन लोगों से जो कि मसाइल का शिकार हैं और हदूद से बाहर हैं, ताकि उनको किसी किस्म की रुकावट का शिकार ना होना पड़े और हमसे खुलकर बात कर सकें। अंकल मुझे ये बताइएगा, कितना अरसा हुआ आपको यहाँ आए हुए? 25 दिन हो गए हैं। कहाँ से आए? सखर से। तो आपका 25 दिन से मरीज इलाज चल रहा है? इलाज नहीं चल रहा, अंदर OPD भी नहीं बिठा रहे, न कहीं देख रहे हैं, ना कोई अंदर दाखला कर रहे हैं। तो 25 दिन से कहाँ हैं आप? कहीं और जगह साथी के पास जो है ठहरे हुए हैं। वजह क्या है? अस्पताल है, कोई नर्स नहीं है, कोई वार्ड में कोई आदमी नहीं है, तो फिर किस तरह जो है ना आपका दाखिला होगा? उसको वो कैंसर हो गया है, बाहर हमने इधर उधर दिखाया, कहता ऑपरेशन होगा, अगर जल्दी जाओगे दाखिला मिलेगा, ठीक है, और नहीं अफोर्ड नहीं कर रहे, गरीब लोग हैं। हड़ताल का कुछ बताया कब खत्म होगी? कब ये कोई डेट लाइन नहीं बताई। बाज कह रहे हैं आज ख़त्म हो रही थी, आज 11 बजे टाइम दिया था, फिर भी नहीं, फिर कहते हैं कल सुबह देखेंगे, फिर उसके बाद जो है कहते हैं 5 तारीख को। क्या आप इस सिलसिले में रोज़ आ रहे हैं? और क्या, आना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है, यहाँ 25 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, आ रहे हैं मुस्तकिल इसी उम्मीद पर कि किसी दिन OPD काम करेगी और ये डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म होगी और इनके मरीज़ को दाखिल कर लिया जाएगा, और सिर्फ दाखिल नहीं होगा फिर उसके इलाज का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन ये सब कब होगा? तब जब डॉक्टर्स की हड़ताल ख़त्म होगी। क्या मसला है सर आपका? ये बच्चे का ऑपरेशन का मसला है, 5-6 महीने से आते जाते हैं, कभी 1 तारीख देते हैं, कभी 2 तारीख देते हैं, कोई समझ में नहीं आता है, बस गरीब तो ख्वार हो जाता है। ऑपरेशन नहीं हो रहा? ऑपरेशन एक दफ़ा हो गया, ख़राब हो गया, अभी दूसरा दफ़ा करवाना है, तारीख पे तारीख देने, रिपोर्ट लिखने, टेस्ट लिखने। पहली मरतबा ऑपरेशन में भी इसी तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? नहीं, पहला भी चक्कर तो बहुत ज़्यादा लगाया, लेकिन बस जिसका पास सपोर्ट होता है, जान पहचान होता है, वो आगे करता है, जिसके पास कोई नहीं होता है बस वो बैठा रहता है। रश बहुत है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट कराने, इसलिए कोई अब बाहर, अब यकीन करें वो स्ट्रेचर और उसके लिए क्या बोलते हैं आपके व्हीलचेयर के लिए बेइंतहा परेशान है। और अगर कोई ख़ास अर्जेंटली किसी को क्रिटिकल कंडीशन में लेकर आए और यहाँ पर ये चीज़ें ही मैसर ना हो तो फिर लेकर कैसे पहुँचे? बहुत मुश्किल है, बड़ा परेशानी है, बहुत परेशानी है। ये वो वाली परेशानियाँ हैं जिनका कोई अमूमी तौर पर जिक्र नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ वही शख्स जानता है जो कि पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में लेकर आता है। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं बलोचिस्तान से। इलाज के लिए? इलाज के लिए। कितने अरसे से आए? कोई 2 महीने हो रहे हैं। तो रिहाइश पजीर हो गए यहाँ पर? बिल्कुल, होटल में रह रहे हैं और पेशेंट हॉस्पिटल में है। अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? अखराजात ये है कि हैंड टू माउथ हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि कार्डियो में है पेशेंट हमारा, वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत हैं, अच्छे हैं, लेकिन जिना में कुछ जाना पड़ा हमें। जिना में ये है कि एक तो स्ट्राइक चल रहा है डॉक्टरों का, उसकी वजह से बहुत मुतासर हो रहे हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, जब डॉक्टरों से बात करते हैं आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो डिसार्ड भी हो जाते हैं, और काफ़ी झगड़े भी हुए हैं मेरे सामने हुए हैं, यहाँ तक कि वो डॉक्टरों पर जो है ना आतापाई भी हुआ उनका, लेकिन वो भी मजबूर हैं क्योंकि डॉक्टर ही मसीहा होते हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो फिर आगे क्या होगा। आपने बाकी मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान जी? मैंने खुद देखा है, बल्कि एक पेशेंट आई स्पेशलिस्ट के पास गया था, वहाँ झगड़ा भी हुआ, मेरा अपना भी झगड़ा हुआ, तो मैंने डॉक्टर को कहा कि ट्रीटमेंट करवाना है आइज़ का, तो उन्होंने कहा कि आप पर्ची के लिए आप कैजुअल्टी जाएँ। वहाँ जब पर्ची लेकर आए तो यहाँ उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, डॉक्टर स्ट्राइक पर है, आप कोई और डॉक्टर ढूंढो। तो उस वहाँ पे एक बंदे ने अपनी पर्ची फाड़ के बल्कि उनके डॉक्टर के मुंह पे भी मार दिया है।
तो कुछ बता रहे हैं कि क्या कब मसले इनके मुतालबात पूरे होंगे, हल होंगे इनके? असल में डिमांड ही इनके ऐसे हैं कि वो शायद गवर्नमेंट की बस में ही नहीं है। सारा मसला जनाब पैसों का है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे साथ जो अलाउंसेस का वादा किया गया था उनको पूरा किया जाए और हुक्म में बाला हाथ खड़े कर लेते हैं। आप यकीनी तौर पर काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल, और पेशेंट्स को आता जाता देख बिल्कुल के मसाइल से वाकिफ़ हैं। मुझे बताएं यहाँ पर मसाइल जो लेकर आते हैं मरीज़, उनका हल मदावा हो जाता है या फिर रुलते देखते हैं? फिलहाल 15 डेज हो गए जब से स्ट्राइक चल रही है, तो हर परेशान, हर मरीज़ के साथ हम हमारी कैपेसिटी के साथ मरीज़ भी परेशान है। उसकी वजह ये कि यहाँ पेशेंट आते हैं ट्रेन सिंह से, ठीक है, वो 14-15 हज़ार रुपये किराया पे करके यहाँ पहुँचते, जब यहाँ के देखते हैं तो सो ओपीडीज़ बंद है, डॉक्टर्स यही नहीं, स्टाफ यही नहीं, यार नहीं, तो किससे अपने सवाल का जवाब करें? तब से स्ट्राइक चल रही है, क्या मुतालबे हैं इनके, क्या गवर्नमेंट चाह रही है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपने देखा इस पूरी एपिसोड में हमने लोगों के मसाइल आप तक पहुँचाए हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स आप तक पहुँचाई हैं, आंखों देखा हाल हमने आपको बताया, और ये मसाइल सिर्फ आपने ही नहीं देखे बल्कि हुक्काम बाला ने भी देखे और वो इन मसाइल से वाकिफ़ भी हैं। लेकिन ये मसाइल कब हल होंगे? ये जो डॉक्टर्स स्ट्राइक लेकर बैठे हैं, इनके मुतालबात कब पूरे होंगे? जिस तरह से कहा जाता है ना कि बॉर्डर पर हमारा जो नौजवान है, सिपाही है, उसको तंदुरुस्त और तवाना होना चाहिए, ऐसे ही मेडिकल स्टाफ को भी और डॉक्टर्स को भी जो सहूलियात जिनकी जिम्मेदारी उन पर लागू होती है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन जहाँ डॉक्टर्स के मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो सहूलियात भी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से तवातुर से कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुतासर हो रही हैं, ख़ासकर वो लोग जो कि अंदरून सिंध से आए हैं और यहाँ पर पड़ाव डाला हुआ है। इस प्रोग्राम की इस एपिसोड से सवालिया निशान के साथ एक बार फिर आपसे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। रबिया राजपूत को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।